Hello students, here is the explanation of the chapter named The Strategist. ये जो पूरी स्टोरी है वो एक पार्टी की स्टोरी है जिसमें एक बच्चा एक एंटर करता है जिसका नेम है रोलो और वो स्ट्रेटजिस्ट का रोल प्ले करता है. मीन्स वो पूरी पार्टी में स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करता है और एक तरीके से अपने ही रूल पर उस पार्टी में वो सर्वाइव करता है, उस पार्टी में इंजॉय करता है अपनी ही कंडीशंस पर. स्टार्टिंग कुछ ऐसी है कि जो मिसेस जेलेट है उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है यंग पीपल्स के लिए, मींस अपनी एज से बच्चों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है. एकदम बच्चे भी नहीं है, मींस एक एवरेज एज आप मान सकते हैं. तो ये जो पार्टी है इसमें रोलो आया हुआ है और उसके और जो भी अदर जो लोग हैं रॉसले हैं उनसे उनकी बनती नहीं है. मींस उसके जो राइवलरीज हैं, उसके जो दुश्मन हैं वो भी वहां पर आए हुए हैं. और भी बच्चे हैं तो वहां पर टोटल 14 लोग हैं जिनमें से गर्ल्स ज्यादा हैं और बॉयज कम है. 10 गर्ल्स हैं जहाँ पर और सिर्फ 4 ही बॉयज हैं. इस तरीके के 14 लोग वहाँ पर उस पार्टी में हैं. तो पार्टी स्टार्ट होती है, ये सभी लोग एंटर करते हैं, पहुँचते हैं और एक दूसरे को देखकर एक बहुत ही वियर्ड सा लुक देते हैं क्योंकि ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. फिर जो मिसेस जेलेट है वो ऑफर करती है कि शायद हमें कोई गेम खेलना चाहिए, पार्टी को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई गेम खेलना चाहिए. तो गेम ओवरऑल सबकी सहमति से एक गेम प्लान होता है. गेम कुछ इस तरीके से होता है कि जो बॉयज हैं, गर्ल्स इसलिए नहीं जाएंगी उसमें. गेम ऐसा है कि एक टीम बॉयज या फिर गर्ल्स, एक टीम लाइब्रेरी में जाएगी, अंदर जाएगी और वो कुछ वर्ड को मन में सोच कर आएगी और बाहर जब आएगी तो दूसरी टीम को गेस करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या वर्ड सोचा हुआ है. गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, 10 है, इसलिए ये टास्क बॉयज को दिया जाता है. तो बॉयज जब अंदर जाते हैं लाइब्रेरी में और एक वर्ड सोचकर आते हैं और वो वर्ड होता है कैमल. लेकिन क्या होता है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो जब बाहर आते हैं तो उन चारों बॉयज में से एक लड़का बाहर आके डायरेक्ट कैमल बोल देता है और वो गेम वहीं स्पॉइल हो जाता है. गेम का फर्स्ट राउंड स्पॉइल हो जाता है. फिर वो लोग वापस से जाते हैं और फिर एक नया वर्ड सोचकर आते हैं. तो इस तरीके से ये गेम एक बार स्पॉइल हो जाता है तो फिर किसी का मन नहीं लगता है. उतने में ही फिर इस गेम को बीच में रोकते हुए मिसेस जेलेट सपर अनाउंसमेंट कर देती है, मींस फूड का अनाउंसमेंट कर देती है कि चलो अब सब खाना खाने के लिए चलो. तो जो डाइनिंग टेबल है वहां पर मिसेस जेलेट जो है वो एक फ्रूट रखती है, और नंबर ऑफ फ्रूट्स जो रहते हैं वो 16 रहते हैं और जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो 14 रहते हैं. तो क्या होता है कि जो रॉसली कजन्स हैं वो क्या करते हैं, दो फ्रूट्स को चुरा कर अपनी पॉकेट में रख लेते हैं. जितने खाने के लिए रखे गए थे वो तो खा ही रहे हैं और साथ में जो पीचेस हैं वो उनको छुपा कर अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और ये सारा सीन रोलो देख लेता है. तो फिर क्या होता है कि जो दो गर्ल्स हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही फ्रूट, एक ही पीच बचता है. तो एक गर्ल कहती है कि चलो हम एक काम करते हैं, इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं. तो दूसरी कहती है कि नहीं, इससे उसका जूस वेस्ट हो जाएगा, एक काम करो तुम पूरा ही खा लो. तो ये मील खत्म होती है. मील खत्म होने के बाद मिसेस जेलेट कहती हैं कि मैंने एक मैजिशियन को बुलाया हुआ था बट उसने लास्ट मोमेंट मना कर दिया, वो नहीं आ रहा है. तब क्या, तो वो पूछती हैं कि क्या यहाँ पर कोई है जो मैजिक कर सकता है. तो रोलो को कुछ क्लिक होता है, वो सोचता है और वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ. वो कहता है मैं आप सभी की पॉकेट से माइक चूहे निकाल सकता हूँ. तो सब मना कर देते हैं कि नहीं, हमें चूहे नहीं निकलवाने. फिर वो कहता है ठीक है, मैं आप लोगों की पॉकेट से फ्रूट्स, पीचेस निकाल सकता हूँ. और उसको ऑलरेडी पता था कि जो रॉसले और रॉसले कजन से उन्होंने पीचेस को छुपा कर रखा हुआ है और वो जाकर उसकी पॉकेट से वो पीच निकाल देता है. और जैसे ही ये सीन होता है सब एकदम से साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि रॉसले कजन की इंसल्ट हो जाती है क्योंकि सबको पता है कि ये कोई मैजिक नहीं है, इन्होंने चुराए हुए थे. तो उनकी इंसल्ट हो जाती है. तो इस चीज को अवॉइड करते हुए फिर सब यहाँ वहाँ देखने लगते हैं और इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं. फिर क्या होता है, जो गेम वो पहले पीछे छूट गया था उसी गेम को कंटिन्यू करने का टर्न आता है. लेकिन रोलो जो कि स्ट्रेटजिस्ट है, जो स्ट्रेटजीज बना रहा है, सबको परेशान कर रहा है अपनी टेक्निक्स के साथ, तो रोलो यहाँ पर कहता है कि हम ही जाएंगे, बॉयज ही अंदर जाएंगे. वो एक तरीके से झूठ बोल रहा है, विंक करते हुए, बॉयज की साइड विंक करते हुए कहता है कि चलो हम ही चलते हैं वर्ड चूज करने के लिए क्योंकि हम अपनी चॉकलेट्स भूल आए हैं, हम पहले जो चॉकलेट्स वहां पर लेके गए थे हम वही भूल आए हैं. तो गर्ल्स ये जब सुनती हैं तो दो तीन गर्ल्स जो रहती हैं वो बहुत लालची होती हैं तो वो चॉकलेट के लालच में कहती हैं कि नहीं अब अंदर हम जाएंगे.
तो जब वो गर्ल्स अंदर जाती हैं वर्ड्स चूज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, तो वहाँ फर्नीचर को यहाँ वहाँ खिसकाने की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो चॉकलेट्स ढूंढ रही हैं। तो बाहर बैठकर रोलो स्माइल कर रहा है क्योंकि अंदर कोई चॉकलेट ही नहीं थे। फिर वो मिसेस जेलेट से कहता है कि अब मैं निकलता हूँ। तो वो एक बार ये पहले भी बोल चुका था कि अब मैं चलता हूँ, लेकिन फिर मिसेस जेलेट उसको रोक लेती हैं और वो ये वाली स्ट्रेटेजी प्लान करता है और लास्ट में फिर वो मिसेस जेलेट को थैंक यू फॉर द इवनिंग बोलकर वहां से निकल जाता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरी स्टोरी है, ये रोलो के इर्द गिर्द घूम रही है और इसमें रोलो जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट है। और देखा जाए तो वो एक ही पर्सन है जिसने इस पार्टी को एंजॉय किया, वो बोर हो रहा था तो वो इस तरीके की टेक्निक्स अपनाकर ये सारे काम करता है। इसीलिए इस चैप्टर का नेम स्ट्रेटेजिस्ट रखा हुआ है। थैंक यू।